और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देश भर में ईंधन की बढ़ती कीमतों पर चिंता व्यक्त करते हुए एसोचैम के साथ एक बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एविएशन फ्यूल को जीएसटी में शामिल करने के बारे में अगली काउंसिल मीटिंग में चर्चा की जाएगी। स्पाइसजेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन अजय सिंह ने ETF को GST के दायरे में लाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री से समर्थन मांगा था। उसी पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी। कोविड काल में एविएशन सेक्टर किस तरह से प्रभावित हुआ, इन सब का जिक्र अजय सिंह ने वित्त मंत्री के साथ किया। तो अब जो एविएशन सेक्टर है, आपको बता दें किस तरीके से कोविड काल में लोगों जो यात्रा थी, लोग हवाई उड़ान करना बंद कर दिए थे। खासतौर पर हवाई उड़ान है उन पर रोक भी लगा दिया गया था। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है इस पूरे सेक्टर पर। और उसी के बारे में, एक तरफ जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो मीटिंग थी इसमें स्पाइस जेट के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन अजय सिंह थे, उन्होंने कहा कि ETF को GST के दायरे में लाया जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने उन्होंने अपनी बात रखी और साथ ही साथ उनका समर्थन भी मांगा। उन्होंने कहा कि जो कुछ बातें वहां पर रखी, कोविड काल में किस तरीके से ये सेक्टर पूरा प्रभावित हुआ है, ये किसी हर किसी को ये चीज़ें पता हैं और इसकी वजह से इसे GST में शामिल किया जाए। और हमारे सहयोगी समीर दीक्षित इस वक्त हमारे साथ जुड़े इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। समीर, GST में शामिल होने के बाद इस सेक्टर को किस तरह से फायदा या कहें तो राहत मिल सकती है और क्या इसे GST के अंडर लाना उचित फैसला होगा? जी बिल्कुल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि हवाई ईंधन को GST में लाना एक लंबे समय से ये प्रक्रिया, इसके लिए कोशिश की जाती रही है। जो एविएशन सेक्टर से तमाम जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब सभी एयरलाइंस, सरकार से इस बारे में लगातार अपील करती रही हैं। तो इसको लेकर के एक लंबे समय से चर्चा होती रही है, लेकिन इस बार संभावना तेज हो गई है क्योंकि खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात का भरोसा जताया है कि अगली GST बैठक में एविएशन टर्बाइन फ्यूल को GST के दायरे में लाने के लिए कदम बढ़ाए जाएंगे। आखिर ये इतनी अहमियत इसकी क्यों है? देखिए, किसी भी एयरलाइन का जो ऑपरेशनल कॉस्ट होता है, यानी कि हवाई जहाज को चलाने का जो ऑपरेशनल कॉस्ट होता है, उसमें अकेले हवाई ईंधन का जो कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 40% है। अगर ETF के दामों में थोड़ी भी नरमी आती है या कमी आती है टैक्सेशन के पैमाने पर, तो उसका बहुत बड़ा फायदा एविएशन सेक्टर को और एयरलाइन को होगा। और ऐसे समय में जब पिछले 2 साल में एयरलाइन, पूरी एविएशन इंडस्ट्री कोविड के चलते उनको काफी नुकसान सहना पड़ रहा है, अभी भी आप कई एयरलाइंस का अगर बैलेंस शीट उठा के देख लें तो वहां पर आपको घाटा ही नजर आएगा। तो ETF को एक बहुत बड़ी उम्मीद के नजरिए से सभी एयरलाइन देख रही हैं और निर्मला सीतारमण ने यह भरोसा जताया कि ETF पर लाने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किए जाएंगे। लेकिन ये ETF GST के दायरे में इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि राज्यों को ETF पर जो टैक्स लगता है, यानी कि VAT जो लगाते हैं, उससे जबरदस्त कमाई होती है। यही वजह है कि पेट्रोलियम या ETF जैसे मसलों पर राज्य अक्सर उसको GST के दायरे में लाने पर राजी नहीं होते हैं। लेकिन इस बार माना यह जा रहा है कि चूंकि केंद्र और राज्य मिलकर के प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि इस साल इस दिशा में कुछ अच्छे नतीजे निकल करके सामने आए। ETF के अलावा एक और मसला जो एविएशन इंडस्ट्री ने उठाया है वो है कि जो पूरा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, जो पूरा एविएशन सेक्टर है, इसको इंफ्रास्टेटस ये दर्जा दिया जाए। इससे फायदा ये होगा कि इस पूरे सेक्टर को लैंडिंग में जो बैंकों से लोन प्राप्त होता है उसमें बहुत हद तक सरलता या मदद मिलेगी। तो ये तो एक ऐसे विषय हैं जिसको वित्त मंत्री ने भरोसा जताया है कि न केवल पूरे हॉस्पिटैलिटी या एविएशन सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलेगा बल्कि ETF को GST दायरे में लाने पर भी तेजी से कदम बढ़ाए जाएंगे। एक बात मैं आखिरी में और जोड़ दूं कि अगर ये GST में लाया जाता है तो इसकी जो दर रहेगी, यानी कि जो टैक्स लागू होगा बतौर GST, सरकार ने पहले इशारा कर दिया है कि वो तकरीबन 18% के आसपास होगा। अभी जो हवाई ईंधन पे जो टैक्स लगता है उसमें सेंट्रल टैक्स के अलावा राज्य जो है वो VAT लागू करते हैं और हर राज्य अलग अलग VAT लगाता है। कुछ राज्य 25% से ज्यादा VAT लगाते हैं ETF पे, तो इसके चलते एयरलाइंस का जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो जबरदस्त बढ़ जाता है। जी समीर, आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी, क्या इसका असर जो है कि वो जो इसके टिकट्स होती हैं उस पर पड़ता नजर आएगा? ये लंबे समय में आप इसका जो अगर बोलते हैं दूरगामी परिणाम, वो लंबे समय बाद इसका फायदा जो है वो हवाई किराए में होता हुआ जरूर देख सकते हैं। फौरी तौर
पे अगर जीएसटी इस साल मान लीजिए उसको एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो फौरी तौर पे आप नहीं देखेंगे कि उसकी हवाई किराए में उसका असर एकदम कम होता है वो देखें, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, लंबे समय में जब आपको एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने के बाद में ऑपरेशनल कॉस्ट जब घटता है, जब उसमें बचत होती है, तो थोड़े समय बाद उसका जो राहत है वो कस्टमर्स को हवाई किराए सस्ते होने के रूप में पास ऑन हो सकता है। तो ये बिल्कुल ये जायज सवाल है और उसका एक लंबे समय में ये भरोसा बनता है कि अहम सेक्टर पे हवाई किराए में कुछ नरमी या कमी आएगी। तो फौरी तौर पर तो नहीं, लेकिन हाँ जब ये उम्मीद बढ़ जाती है कि जब भी जीएसटी के दायरे में एटीएफ आएगा तो लंबे समय बाद उसका एक बड़ा फायदा कस्टमर्स को हवाई किरायों में कुछ कमी के रूप में भी मिल सकता है। जी जी समीर, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।